आज मैंने अपने पहले डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट से एक लंबा डिस्कशन किया। उस लंबे डिस्कशन में उसके बहुत से दिनचर्या के बारे में पूछा और उनको कुछ सजेस्ट किया। आप इस डिस्कशन को सुनिए और जानिए टाइप 1 में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो, हाँ जी, कौन? आरएस वाला। हाँ सर, आपका मैसेज आया था अभी मेरे फोन पर कि अगर डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं तो मेरे को कॉल करें। हाँ, हाँ, उसके ऊपर यूट्यूब पर। हाँ यूट्यूब पर सर अभी मैसेज आया था। मैंने शायद कुछ इस पे कमेंट किया था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, तो अभी आया वापस से मैंने कॉल कर दिया आपको। अच्छा किया सर। आपको क्या उम्र है, क्या हाइट है, क्या वेट है? मेरा वेट है 67 हाइट और हाइट मेरे 5 फुट 12 इंच, हाँ 6 फुट हो गया वो तो। मतलब 11, सॉरी सर, 12 नहीं 11। ओके। और 64 बताया ना हाइट, वेट वेस्ट 67, 77 किलो। 66। और एज एज होगी सर 22 साल, कितना? 22 22, 22। हाँ 21 22 के सर समथिंग। ये अच्छा, इतनी जल्दी हो गया आपको? अच्छा, सर मेरे को 10 साल की उम्र हो गया था। वो टाइप 1 है। हाँ टाइप वन, ओके, तो हाँ 10 साल की उम्र में इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपके फैमिली में मदर फादर को कुछ नहीं नहीं सर, ब्लड हम प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं है? नहीं सर, हमारे गांव गांव में सर 1000 2000 बस्ती, उसमें सर किसी को नहीं सर, मेरे पहली बार मेरे को ही हुआ है। नहीं, आपके पेरेंट्स को बताइए ना, नहीं 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 उनको कुछ नहीं, नहीं, पेरेंट वगैरह को किसी को कुछ नहीं है। नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं है उनके, तो कोई भी हेल्थ का इशू नहीं है। कोई भी हेल्थ का नहीं इशू, कोई बिल्कुल अब अभी कितना पानी पीते हैं? फिट है। पानी सर, पानी दिन में कितना बताए, 4 5 4 5 लीटर, जब जब खेलने जाते हैं 4 5 लीटर पानी पी देता हूँ, जब नहीं जाते तो नहीं जाते हो तो 2 3 2 3 लीटर। आप रोज खेलने जाते हो? रोज तो एक सुबह भागना पड़ता है, 5 किलोमीटर भागना है, किसी ने बोला कि भागो तो फर्क पड़ता है आपके, तो पड़ा तो नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं भाग रहा हूँ कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि जैसे आ ही नहीं जा रहा, तो मेरे सुन लग रहे सुबह शाम। क्या? सुबह शाम इंसुलिन लग रहा है? हाँ कितने यूनिट? 25 25 मिनट सुबह 25 शाम को। आपको कंसंट्रेशन करने में या किसी और में मेंटल फंक्शनिंग आपकी अच्छी है? आपका विल पावर है मतलब? विल पावर मतलब सर समझा नहीं, मैं मतलब सोच नहीं सकती, सोचने की शक्ति, और जो थोड़ा सोच रहे हैं अपना कंट्रोल, कि आप कुछ करना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लेते हैं। नहीं सर मतलब आप दूसरा पढ़ाई क्या जो कर रहे हैं? मेरे बीच चल रहा फाइनल, बीए फाइनल कहाँ रहते हैं? मैं बाड़मेर में, आप खाने के साथ पानी पीते हो? खाने के साथ नॉर्मल पानी थोड़ा बहुत पीता हूँ, ज्यादा नहीं पीता हूँ, 1 घंटे के बाद पीता हूँ। खाने के साथ कितना पीते हो? खाने के साथ, खाने के बाद 2 3 2 दिन घूंट पी देते हूँ, 2 3 और तो मतलब आधा गिलास भी नहीं पीते? आधा गिलास भी नहीं। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? नहीं मैं सुबह उठते भागता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, उठते हाथ मुंह मतलब मुंह धोने के बाद, कुल्ला करने के बाद, भागने के बाद थोड़ा बहुत पीता हूँ, बस कितना? एक एक गिलास मानो, भागने भागने के बाद बस। कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह 5 बजे, 5 बजे उठकर आप कितनी देर, कब भागने जाते हैं? मैं 5 बजे उठता हूँ और सुबह 5 निकल जाता हूँ भागने के लिए। पेट साफ हो जाता है उससे पहले? ठीक पेट साफ, कभी कभार पेट साफ होने के बाद, कभी पहले। है, तो आप 5:15 बजे भागने निकल गए। 5-4 किलोमीटर का मतलब हो गया कि आप आधे घंटे भागे और वापस आ गए, हाँ तो 5:45 बजे तक वापस आ गए। जी, उसके फिर उसके बाद क्या करते हैं? बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा गांव तो जैसलमेर जिले में पड़ता है सर, वहां पे यहाँ बाड़मेर में हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल के नियम है सुबह 5 उठने का। कहां पर? बादली में, बाड़मेर, बाड़मेर सुना है? बागमेर। अच्छा, यूपी में। नहीं नहीं बाड़मेर राजस्थान में ही है। अच्छा, राजस्थान। ठीक है, वहीं पे तो आपका हॉस्टल का रूल बता रहे हैं कुछ? हाँ मेरा रूल है, सुबह 5 उठना पड़ता है, उसके बाद भागना पड़ता है, तो मैं भागता हूँ और 6 बजे 6 बजे वापस आके पढ़ना पड़ता है, कब तक पढ़ते हैं? और 6 से 10 बजे तक, उसके बाद स्नान 6 से 10 वगैरह। तक पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे। हाँ 4 घंटे, ठीक है, उसके बाद? उसके बाद खा ये जो 6 से 10 हाँ पढ़ाई करते हैं वो सुपरविजन में तो नहीं होती ना, अकेले बैठ के पढ़ते ना? अकेले अकेले तो आप अगर चाहें तो ना भी पढ़ें।
नहीं पढ़ना तो जरूरी, वैसे भी साथ में भी, मतलब रूम में उसमें बाकी बच्चे वो भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं ना, अगर आपको पढ़े बिना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो कर सकते हैं ना। वही है कि पढ़ना तो अगर एग्जाम ऊपर अच्छा नंबर आते इसलिए पढ़ना पड़ता ज्यादा, नहीं तो 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा भी पढ़ो वैसे। फिर ठीक है, उसके बाद 6 से 10 तक पढ़ लिया, फिर नाश्ता कब करते हैं? 10 बजे पढ़ता हूँ और 11 बजे तक स्नान वगैरह, 11 बजे खाना खाना स्टार्ट करता हूँ। सुबह दवाई 10:30 11 बजे में लेता हूँ, वहीं से खाना खाता हूँ और एक बार खाना खाता हूँ दिन में। बोला क्यों, किसने बोला? नहीं सर, ज्यादा यहाँ हॉस्टल रूल है, मिलता नहीं, एक बार मिलता है वो हैबिट हो गई। मतलब 11 बजे खाना मिलता है? हाँ सुबह 10:30 11 के बीच में क्या खाते हैं आप? खाने में सर, सुबह 5 6 6 रोटी गेहूं की और दाल, दो तीन चम्मच दाल, दो तीन चम्मच दाल, दो तीन चम्मच या दो तीन कटोरी? हाँ दो तीन कटोरी मान लो भाई सर। हाँ, चम्मच तो बहुत छोटा हो गया ना। नहीं, हम यहाँ पे बड़े, हमारे बड़ा चम्मच होते हैं सर, अच्छा अच्छा एक कटोरी का एक चम्मच होता है। अच्छा अच्छा हाँ तो दाल और रोटी बस, बस। कुछ मीठा मीठा? नहीं, सर मीठा है कुछ नहीं यहाँ। सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है चावल और कभी कभार, तो मेरे की चावल और डॉक्टर मना कर दिया है, तो मुझे 10 साल हुआ मैंने चावल तक हाथ नहीं लगाया। 6 से 10 बजे के बीच में पानी पीते हैं क्या? हाँ सर, पानी तोड़ने के बाद थोड़ा बहुत पीता हूँ, नहीं, 6 से 10 के बीच में जब पढ़ रहे होते हैं जब पढ़ाई तो पानी पीता हूँ सर। कितना हो जाता है? पानी सर ऐसे सर तो माप तो नहीं किया, लगभग 1 बोतल बर्फ पी जाता हूँ, 1 लीटर की? हाँ 1 लीटर की। अच्छा, उसके बाद आपने 6 रोटी खा ली, फिर उसके साथ पानी पीते हैं? अच्छा, उसके नहीं थोड़ी देर उस, बाद पीते हैं। मुझे किसी ने हाँ बोला है कि उसको खाने के हाँ ऊपर नहीं पीना चाहिए, तो मैं नहीं तो पीता ये सर। कब से बंद किया है? क्या पानी पीना, हाँ, खाने के साथ। पानी पीना ये मेरे लगभग एक साल हो गया। उससे पहले आप खाने के साथ पानी पीते थे? कितना हाँ पीते थे? उसके साथ सर जैसे गांव में होता था तो सर खाने के बाद जितना पानी पाता उतना पी देता था। फिर भी अंदाजा? फिर सर एक लोटा तो, हाँ 1 लोटा मतलब 1 लीटर या 700 ml? लगभग 1 लीटर में थोड़ा बहुत कम। 1 लीटर से थोड़ा बहुत कम, तो आप खाने के बाद 1 लोटा पानी पी लेते थे। अच्छा हाँ ठीक है, फिर आपने 11 बजे खाना खाया, फिर क्या करते हैं? फिर 1 किलो से खाना खाया, खाने के बाद 1 घंटे में रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, लेट जैसे जाते जैसे हैं। हाँ मोबाइल चेक कर, लेट नींद नहीं आती मोबाइल देखता हूँ 1 घंटों, ठीक है, फिर उसके बाद? 12 बजे से 2 बजे पढ़ाई करता हूँ वापस, अच्छा, फिर उसके बाद और 2 घंटे से 4 बजे कभी कभी खेलने जाता हूँ तो कभी सो जाता हूँ, क्रिकेट खेलते क्या है? खेलता हूँ। आप कब से खेलते हैं? क्रिकेट तो मैं खेल रहा हूँ 2008 के बाद, तो खेल रहा हूँ बचपन से ही खेल रहे हैं। बचपन ठीक है, उसके बाद से। तो उसके आप कोई बाद प्रोफेशनली खेलते हैं? मतलब प्रोफेशनली का मतलब कोई कॉलेज वाले टीम में है या वैसे ही खेलते हैं? नहीं, वैसे ही खेलते हैं, किसी ने बोला कि आपको सुबह भागना चाहिए, दिन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसीलिए कि आपका शरीर फिट रहता है और डायबिटीज ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो यही देख के इसलिए। आपका इंसुलिन 25 यूनिट लगता है, हाँ 50 यूनिट, 25 सुबह 25 शाम को। ये 25 25 कब से, पहले कम था या पहले से इतना चल रहा है? नहीं सर, पहले तो लग रहा था मेरे 35 35 35 सुबह 35 शाम, अच्छा, तो 25 कब हुआ? हाँ उसके बाद कम डॉक्टर नहीं किया मैंने, अपने खुद मतलब मेंटेन कर दिया, मैं भागने भागना शुरू कर दिया और मैं साइड में कुछ खाता वगैरह कुछ नहीं हूँ, तो मेरी मेरी बॉडी ये सब देखा जाए तो मतलब इतने ML काफी है अब तो, कि शुगर बराबर लिमिट रहती है, तो मैंने देखा कि ज्यादा लेने मतलब कुछ नहीं है। अभी शुगर कितनी रहती है इतना इंजेक्शन लगाने के बाद? कभी कभार तो खाने के बाद 250-300 जाती है कभी कभार तो, और कभी तो 200 में, 200 के अंदर ही रहती है। फास्टिंग और फास्टिंग? तो कभी 120 130 140 ही, और मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम मतलब भूखे पेट, भूखे पेट तो कभी कभार तो सर बढ़ जाता है 350 400 जाता है कभी तो, खाली पेट? हाँ खाली पेट ही नहीं, कभी कम भी होता है, चीनी खानी भी पड़ती है? कभी कभार बिल्कुल कम 70 पर जाता है, 70 70 70। तो 70 पर आता है तो घबराहट होती है, कुछ पसीना आता है? हाँ घबराहट होती है, मतलब पता चलता है शरीर में कि अब कुछ न कुछ डायबिटीज एक मतलब नीचे हुई घट गई है शरीर में। 70 पर ही मतलब आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है?
पहली चीज ये समझिए, पानी पीने से शुगर कम नहीं होती, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये समझिए कि खाना कम खाने से शुगर कम नहीं होती। नहीं सर, मैं तो वीडियो देखता हूँ, हर कमेंट में ये लिखता हूँ, तो किसी ने बोला कि आप खाना खाना उसी हिसाब से आप कर दो, ज्यादा मत खाना कम खाना, तो क्या हो कि इंसुलिन, अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो इंसुलिन ज्यादा लेना पड़ता है शरीर में, और शरीर को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ता है। आप तो थोड़ा थोड़ा ही खाओ तो आपकी बॉडी उस खाने को मतलब पाचन करने में अच्छी रहती है। मैं आपको किस तरफ से समझाना शुरू करूं? आप इंटरनेट तो यूज करते हो? इंटरनेट आ करता हूँ। आप डायबिटीज 1 के बारे की जगह 2 के बारे में सर्च करना शुरू करिए। अच्छा, टू के बारे में, हाँ, तो ठीक डायबिटीज में जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके सेल्स में शुगर नहीं होती, ग्लूकोज नहीं होता। अच्छा नहीं होता मतलब कम होता है। कम, आपके शरीर का 70% पानी होता है, अच्छा ये एग्री करते हैं आप? हाँ मानता हूँ, आपके शरीर में जो 70% पानी होता है वो 3 जगह पर होता है। अच्छा टोटल पानी का 10% ब्लड होता है, ठीक है। बोल, ठीक टोटल पानी का 65% पानी जो होता है वो सेल्स में होता है, ठीक और टोटल पानी का 25% जो होता है वो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें होता है, अच्छा ठीक हो गया। 10%, 65%, 25%, 100% हो गया पूरा। हाँ हो गया आपके ब्लड का काम होता है सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाना, ठीक सर, ठीक हो गया। ये भी आपके शरीर में जो एनर्जी बनती है जिससे आप जिंदा रहते हो जी वो सेल्स में बनती है। अच्छा सेल्स तक पहुंचने का जो सिस्टम होता है खाने का वो बता दूं? बताओ सर आप जब खाना खाते हो तो पेट में जाता है, जी। पेट में एसिड वगैरह एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उसके साथ मिलकर जो खाना खाते हो उसकी पेस्ट बन जाती है, अच्छा वो आपकी छोटी आंत में जाती है। अच्छा छोटी आंत के अंदर खाने के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं वो जी सारे के सारे छोटी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं पानी के साथ। अच्छा तो वो छोटी आंत में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो ब्लड के थ्रू एक पोर्टल वेन होती है, उसके थ्रू वो लीवर में जाते हैं। अच्छा लीवर में जो आपने खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को, इनके बीच में जो प्रोपोर्शन होता है कि भाई जैसे मैंने बताया ना कि इसमें ब्लड में और सेल्स के पानी में एक प्रोपोर्शन रेशियो होता है, 10%, 65%, 25%, जी उसी तरीके से आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बीच में राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो अच्छा लीवर का काम होता है उस राइट प्रोपोर्शन को बना के रखना। अगर मान लो आज कार्बोहाइड्रेट कम खाया तो लीवर में पहले से जो स्टोर्ड ग्लूकागन होता है उसको छोड़ देता है, अच्छा का जो ग्लूकोज होता है। इसी तरीके से अगर फैट की कमी होती है तो लीवर फैट छोड़ देता है। तो बेसिकली क्या करता है, लीवर उसके प्रोपोर्शंस को सेट कर देता है। फिर ये ब्लड जाता है आपके किडनी में, जितने भी उस ब्लड में मिनरल्स होते हैं, उस जो सॉल्ट होते हैं, उस सॉल्ट के जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो किडनी सेट कर देती है। इस प्रोसेस के अंदर आपके कुछ यूरिन बनता है जो कि यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। अच्छा यूरिन में कोई टॉक्सिन्स नहीं होते हैं और ना ही आपके स्टूल में टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। यूरिन में क्या होता है, जो आपके सोडियम हो गया, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना आपके ब्लड के अंदर, उसको जी ठीक प्रोपोर्शन में करने के लिए कुछ पानी को निकाल दिया जाता है। किडनी अच्छा के काम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। एक गिलास आपने पानी लिया, नो उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, डाल दिया देखा उसको आपने चख के देखा, नमक ज्यादा लग रहा है, नमक हाँ कम कैसे करेंगे, पानी और डाल मतलब देंगे और डालेंगे पानी तो नमक कम हो जाएगा, अच्छा पानी बढ़ेगा तो नमक कम होगा। अगर हमें नमक कम लग रहा है और हम अगली बारी जब नमक पानी का मिक्सचर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पानी कम डालेंगे और नमक उतना ही डालना है। मान लीजिए कंडीशन है कि नमक उतना ही डालना है, अच्छा तो हम पानी कम करेंगे तो नमक बढ़ जाएगा ना। हाँ
इसी तरीके से जब किडनी मिनरल्स को बैलेंस करती है, जब लीवर मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करता है, तो उसमें पानी को कम या ज्यादा लाकर वो उसको ऑप्टिमम जो भी बेस्ट कंडीशन होती है उसके ऊपर ले आते हैं। 100% करेक्शन नहीं होता, पर जो भी बेस्ट होता है वो कर लेते हैं पानी को कम ज्यादा करके। कि भाई आज मान लीजिए आपके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और डेंजरस लेवल पर पहुंच गए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा निकालना है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में पानी ज्यादा निकाल दिया, तो अपने सॉरी पानी कम निकालेंगे तो कार्बोहाइड्रेट अपने आप से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ऑप्टिमल जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो कर देते हैं किडनी और लिवर। उसके बाद ये ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट इसको पंप करता है और वो सेल्स में जाता है। अच्छा सेल्स में ग्लूकोज पहुंचता है तो उससे एनर्जी बनती है, और उसके उससे आपका हार्ट और दिमाग और डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी आपके शरीर का जो जीवन से रिलेटेड चीजें होती है, जिंदा रहने के लिए जो जो जरूरी होता है वो सारा सिस्टम चलता है आपका। ठीक हो गया। ठीक डायबिटीज में क्या होता है, आपके सेल्स में ग्लूकोज कम हो जाती है। ठीक है, अब है ग्लूकोज सप्लाई करने का काम किसका है, ब्लड का का। और लीवर का। ठीक है, तो लीवर के पास मैसेज आता है जी आज आपके सेल्स में इतना कम ग्लूकोज है, तो लीवर उसको रिलीज कर देता है। अब लीवर के पास स्टॉक खत्म हो गया, आप शुगर खा तो रहे नहीं हो, तो क्या करता है कि आपके जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स मसल्स होते हैं, उस अच्छा मसल्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ठीक हाँ है, सर ये तो है सर। तो वो मसल्स का ब्रेकडाउन शुरू होता है तो वो मसल्स में जो शुगर होती है वो उसको देता है। अच्छा अब बात आती है कि सेल्स में आपके ग्लूकोज क्यों कम हो गया। ठीक है ना, ठीक सेल्स में ग्लूकोज कम होने का कारण होता है सेल्स में पानी का बढ़ जाना। अगर पानी बढ़ेगा तो ग्लूकोज कम होगा ना, अच्छा परंतु मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि आपके सेल्स इंसुलिन इनसेंसिटिव हो गए, हाँ बोलते सर बिल्कुल और उसका कारण होता है क्योंकि उनको इंसुलिन बेचना है। बेचना है। अब इंसुलिन इनसेंसिटिव हो गए या नहीं हो गए, सेल्स के ऊपर कोई भी लैब टेस्ट नहीं होता, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये नहीं बता सकता कि वो इंसुलिन इनसेंसिटिव हुए या नहीं हुए। नहीं हुए सर बिल्कुल सही हुए। ठीक है, जो टेस्ट होते हैं वो ब्लड के होते हैं, सेल्स के नहीं होते, सेल्स बहुत छोटा होता है, सेल्स को कोई दूरबीन से आप नहीं देख सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आती है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेल्स में पानी बढ़ गया तो ग्लूकोज अपने आप से कम हो जाएगा समझेगा और एनर्जी भी कम होगी आपकी। ठीक है, एनर्जी अगर कम होगी तो आपके हार्ट को कम एनर्जी मिलेगी, तो आदमी 2-4 दिन में मर जाएगा। तो अच्छा शरीर किसी भी हालत में आपकी एनर्जी को कम नहीं होने देता, शरीर आपको बचाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती आप उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हो। अब दूसरी चीज जो समझने की है वो है कि सेल्स में पानी कहां से आता है। जो पानी आपके छोटी आंत से आया, ब्लड के थ्रू आया, उसको लीवर ने और किडनी ने सेट कर दिया, तो उसका जो प्रोपोर्शन हो गए वो सेट हो गए, तो इस रास्ते से जो भी पानी जाएगा वो ठीक होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। सर वो मैं आपके बात पूछना चाहता हूँ सर, इसका कोई मेन रीजन सर कोई नहीं बता सकता कि क्या ये किससे होती है क्या मैं होता बता तो है। रहा हूं सर आप तो बता नहीं सर को डॉक्टर वगैरह कोई नहीं बताया सर। सर, डॉक्टर का काम क्या है कि आपने कभी बस के हाँ कंडक्टर को देखा है, हाँ देखा बस का है। कंडक्टर क्या करता है, पैसे काटता है, पर्ची देता है और बिजी रहता है ना वो पूरा, अगर 100 पैसेंजर हैं तो वो पूरा टाइम बिजी रहता है, खासकर लोकल बस में। आप कभी डॉक्टर के क्लिनिक में गए हो, हाँ मैं गणा गया था ज्यादा गया बिल्कुल। आप उस सेंटेंस बोलना शुरू करते हो, नाम बताना शुरू करते हो, वो पर्ची पे लिखना शुरू कर देता है डॉक्टर। हाँ एक कंडक्टर में और डॉक्टर में क्या फर्क होता है, सेम ही समान है सर समान है। हाँ वो लिखता रहता है, पर्ची काटता रहता है, पैसे लेता रहता है, यही करता है ना। तो बेसिकली जो उसको दिमाग लगाना है उसके पास टाइम नहीं होता। दूसरी वो चीज ये है कि अगर आपने देखा हो डॉक्टर्स का जो पढ़ाई करते हैं ना, नहीं वो अपने सीनियर से बहुत डरते हैं। आपको डर नहीं लगता होगा सीनियर से, सर मुझे नहीं लगता। आपके फ्रेंडली होते हैं डॉक्टर्स के साथ, वो अपने सीनियर से क्यों डरते हैं। कारण ये होता है कि जो सीनियर होता है ना, हाँ उसको पता है कि उसके पास किसी बात का जवाब नहीं है। अगर नहीं उसने अपने जूनियर को पूछने का मौका दे दिया ना, तो 2 दिन के अंदर सारे के सारे लोग डॉक्टरी छोड़ देंगे। अच्छा ये बात है जरूर। वो इसलिए उनको डरा धमका के रखते हैं ताकि वो उससे कुछ पूछे नहीं।
तो सर मुझे मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगभग 2008 के बाद में पेशेंट हूँ इसका, तो 2008 के बाद तो लगभग मेरे 10-12 साल तो हो गए, बार ज्यादा। तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे मुझे एक बताता है कि डायबिटीज बढ़ने का एक ही कारण है कि आपने घर पे मीठा खाया। तो मैंने अभी तो आज तक ज्यादा मीठा छोड़ दिया बिल्कुल। जो देखा जाए तो कभी कभार कोई फ्रूट मार्केट में मन होता है तो खा लेता हूँ, बाकी सब छोड़ दिए, फिर भी डायबिटीज बढ़ जाता है। तो आप बोल रहे हैं आप खाना ज्यादा खाते हो, तो खाना ही कम कर दिया सर, फिर भी बढ़ रहा है। तो आप खाना अब छोड़ भी दोगे तो भी बढ़ेगा। आपको एक दूसरी बात तो सर बताता हूँ, दूसरी इसका बात क्या कोई, बताता हूँ। हाँ मान लो एक आदमी है जिसको डायबिटीज नहीं है, नहीं जी ठीक है, आपके पिताजी हैं, ठीक उनको बोलो सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठते ही आप उनका ब्लड शुगर नाप लो, जी उसके अगले 2 घंटे उनको कुछ भी खाने पीने के लिए मत दो, बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा बहुत चल लिया, और लेटरिन भी नहीं गए, मानते हैं कि लेटरिन भी नहीं जाते, पेशाब भी नहीं जाते 2 घंटे या 1 घंटे मान लो, अच्छा 6 से 7 बजे, 6 बजे उठे, 7 बजे तक उन्होंने कुछ ना खाया ना पिया ना निकाला, ना पेशाब गए ना लेटरिन गए, ठीक है। अब बिल्कुल 7 बजे उनका ब्लड शुगर चेक कर लो, अच्छा 7 बजे उनका ब्लड शुगर 20 पॉइंट बढ़ा हुआ, तो बढ़ेगा हाँ बढ़ेगा। शुगर का, ब्लड शुगर का खाने पीने से कोई कनेक्शन नहीं है। अब आपके पिताजी अगर चलेंगे तो शुगर तो कम होनी चाहिए ना ब्लड की, भाई हाँ सोते हुए तो कम चलना फिरना हुआ, तो ज्यादा चलेंगे तो शुगर कम होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि आप 6 किलोमीटर भागते हैं, हाँ भागता आपके हूँ भागने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा आपके भागने से सिर्फ एक ही फर्क पड़ेगा, और वो फर्क ये पड़ेगा कि आप भागोगे तो पसीना आएगा, सर पसीना आने का मतलब है कि आपके सेल्स में जो पानी भरा हुआ है वो कम हो रहा है, जो अच्छा आपके सेल्स में पानी भरा हुआ है वो कम होगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा सेल में वो बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन उसका, तो अच्छा लीवर से कम डिमांड करेगा, लीवर कम छोड़ेगा तो शुगर कम हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा पर जो मेन कारण है वो आपके सेल्स में पानी भरा हुआ है। अब उससे आपको, उसके अलावा आपको प्यास भी लगती होगी बार बार, हाँ लगती है कभी अब ये समझो प्यास क्यों लगती है। अब वो भी डॉक्टर कोई नहीं बताएगा आपको, उसको पता ही नहीं है, कभार ये ठीक है। बात है। सर सर मैंने सर ये भी पूछा उनको कि प्यास, उन्होंने ये बताया कि आप एक तो आप खाना खाते हो, खाना खाने से पहले ज्यादा प्यास लगती है बाद में। तो सर मैं खाना तो 10:30 बजे तक खा जाता हूँ सुबह सुबह, वो तो मॉर्निंग टाइम हो जाता है, तो मॉर्निंग में इतनी प्यास लगती नहीं। तो जब खाना खाता हूँ तो उसके बाद में ना प्यास ज्यादा लगती है, एक तो दोपहर का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद तो वो बोलते हैं आपको प्यास लगने का मेन रीजन यही है कि आपने खाना ज्यादा खाया। अब आपके पास तो पाचन शक्ति कमजोर है जो उसको आराम से ग्रहण नहीं करती है, तो उसके लिए आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए आपकी बॉडी ज्यादा पानी पानी मतलब पानी मांग रहा है, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, यही कारण है मेन आपको प्यास उनको लगती ये है। बोलो कि आपके पास मुझे जो प्यास लगती है उसको कम करने का कोई तरीका है, कोई दवा है, मुझे सर बताया उन्होंने कि आप खाना बिल्कुल कम खाओ, जैसे अब मैंने माना ठीक मैंने है, सर, आपने कम खा लिया तो प्यास कम लगेगी क्या? हाँ सर मैंने तो वही सर को तुम्हारे उसने उन्होंने बोला कि आप इसे करो, तो मैं कम से कम 4-5 रोटियां खा रहा हूँ गेहूं की। आप अपनी बात छोड़ दो, जितने और डायबिटिक होते हैं वो खाना कम करते हैं तो उनको प्यास कम लगती है कोई? पता नहीं सर, वो मुझे पता नहीं सर। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी। मैं आपकी प्यास लगनी 7 दिन में बंद करा दूंगा, आपको प्यास लगेगी नहीं, पानी 2 दिन पानी नहीं पियो आपको प्यास नहीं लगेगी। अच्छा देखिए अब ये समझो प्यास लगती क्यों है, ठीक है, ठीक आपके सेल्स में जितने भी न्यूट्रिशन है वो कम हो गया, सप्लाई करने का काम है ब्लड का, ब्लड जब ब्लड वहां पर ग्लूकोज सप्लाई करने जाएगा तो क्या वो सिर्फ ग्लूकोज सप्लाई करके आ जाएगा, क्या उसका ब्लड का कुछ पार्ट वहां पर नहीं छूट जाएगा? जब ब्लड सप्लाई सर करने जाता है तो उसके साथ में ब्लड वॉल्यूम भी वहां पर कम होती है। अगर आप उसको दूसरे तरीके से लोगे तो अगर ब्लड वहां पर ग्लूकोज सप्लाई करने गया और ग्लूकोज ही छोड़ाया, तो पहले ब्लड में ग्लूकोज था ना वो कम हो गया, 5 ग्राम भी कम हुआ तो ब्लड तो कम हो गया ना उससे। ना तो धीरे धीरे करके जब आप रोज ज्यादा पानी पीते हो, रोज ज्यादा सेल्स में पानी भरता है, तो उस पानी को कम करने के लिए, उसके जो मिनरल्स हैं उसको ज्यादा डिलीवर करने के लिए धीरे धीरे आपका ब्लड कम होने लगता है, ठीक है।
जब आपका ब्लड कम होता है तो आपको प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है आप बे टाइम पर जितना पानी पियोगे, खाने के अलावा जितना भी पानी पियोगे, वो आपके सेल्स में डायरेक्टली जाएगा, वो आपकी छोटी आंत में और ब्लड के रास्ते से और लीवर किडनी के रास्ते से नहीं जाएगा, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ तभी एब्जॉर्प्शन होता है जब साथ में स्टमक एसिड होते हैं। जब आप पानी पीते हो तो स्टमक में एसिड नहीं बनते, ठीक हो गया? जब आपके स्टमक में एसिड नहीं बनेगा तो छोटी आंत में आपका पानी नहीं रुकेगा, वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में सिर्फ दो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, विटामिन और पानी, उसमें कोई ग्लूकोज नहीं होता। चाहे आपका सारा का सारा ग्लूकोज आपकी छोटी आंत में नहीं एब्जॉर्ब होता, परंतु बड़ी आंत से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक हो गया? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही मेरे को, मैं सुन रहा हूं। तो बड़ी आंत से जितना पानी जाएगा वो उस पानी को, सेल के पानी को बढ़ाएगा। जब सेल्स में पानी बढ़ेगा तो शुगर नीचे जाएगी, तो उधर से डिमांड आएगी, आपको प्यास लगेगी, क्योंकि जितना पानी आप खाली पेट पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी आपकी। वो तो है। अब आपको खाने के साथ पूरा एक गिलास पानी पीना है। सर एक बात मैं मानता हूँ सर, खाने से पहले सर पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं तो प्यास कम लगती है, ये बात है, मैं मानता हूँ सर। एक मिनट सुनिए ना, अब मैं आपको 7 दिन में प्यास खत्म कर देता हूँ आपकी, आपके 7 दिन के अंदर आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप खाने के साथ में पूरा एक गिलास भर के पानी पियो, खाना खाना शुरू करो, आधी रोटी खाओ एक घूट पी लो, आधी हर आधी एक रोटी के बाद में एक दो घूट पी लो, खाना खत्म हो जाए पानी खत्म कर दो। ठीक सर, एक गिलास? हाँ ठीक सर, एक गिलास। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना। अच्छा, उसके बाद नहीं पीना। जब आपको प्यास लगे आप एक घूट पानी पी लो, ठीक सर, 3 दिन के अंदर अंदर आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी और आपका गुजारा सिर्फ 3 गिलास पानी में होना शुरू हो जाएगा दिन में। हाँ जी, ठीक तो है सर। तो सर खाना दिन में एक बार मैं खाता हूँ तो 1 गिलास पानी खाने के बाद? नहीं, आप रात को नहीं खाना खाते? हाँ रात को तो खा रहा हूँ मैं, दिन में एक ही बार। तो दिन में भी किसी तरीके से जुगाड़ करके दूसरी बार भी खाना खाओ ना। ये 10 बजे से पहले खाना खाओ, 9 बजे 10 बजे खाओ। ये क्या हॉस्टल से मिलता है खाना? हाँ सर, हॉस्टल से। और रात को कहाँ से मिलता है? रात को हॉस्टल से। तो बीच में कुछ जुगाड़ करो ना, कुछ अपना बनाओ, कुछ डबल रोटी मक्खन मंगा लो। हाँ सर, वो तो बात सही है, लेकिन सर मुझे डॉक्टर ने सब कुछ खाने को मना कर दिया है, तो हम तो अब डॉक्टर की बात मानोगे तो कभी ठीक नहीं होगे। पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, तो सर क्या कर सकते हैं अब? मैं मान लो सर, मेरे बारे में होल्ड करोगे? होल्ड करोगे? हाँ सर, कर। हेलो हेलो मिस्टर भल्ला। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, मेरे पास जितनी स्कैन फाइल्स पड़ी है ना वो सब पुराने फॉर्मेट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो मुझे स्कैन करनी पड़ेगी। नहीं देने दीजिए, एक काम बताइए मेरे को। एक्चुअली मैं एक काम करो, ये इस टाइप के ऑर्डर्स कितने हैं? हैं? इस टाइप के ऑर्डर्स कितने हैं? एक ही है। आप नहीं, नहीं, ये वाले ऑर्डर, ये 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, 2-2 लाइन का ही ऑर्डर। तो आप ये जो ऑर्डर है ये टाइप करके मुझे भेज दीजिए, मैं आगे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा उसको। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? आई मीन जो इसमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है ना, उसे मैं भर दूंगा उसमें। जो आप इस, ये जो ऑर्डर है, 4-5 ऑर्डर्स है, इनको आप मुझे टाइप करके मुझे ईमेल कर दीजिए। ऐसा है कि मैं आपको पहले आपसे मेंशन किया था ना, हमारा जो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रार है ना, वो हमारा स्कूल क्लास रूम का फ्रेंड है। तो मैंने उससे भी बात किया है, वो कहता है कि हाईकोर्ट में जो आपने पेपर बुक फाइल की है वो सभी डालने की जरूरत नहीं है, जितने आप रिलाई करना चाहते हो वो फाइल कर सकते हैं आप। ठीक है, वो फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें फॉन्ट साइज क्या होगा? मैं लीगल पर प्रिंट आउट ले लेता हूँ इसके, क्योंकि कल मैं आप अगर आप एरियल करते हैं तो वो 12 में भी चल जाता है, और अगर कोई और करते हैं वो 13 या 14। एरियल 12 में चल जाएगा? हाँ जी। और मार्जिन कितना रहेगा? टॉप मार्जिन 2 इंच और 1.5 इंच ऊपर? ऊपर 1.5 इंच रहेगा। हाँ, लेफ्ट रहेगा आपका 2 इंच, राइट रहेगा 1 इंच। ओके, ऊपर नीचे 1.5 और 2 और 1, ठीक है। तो ये मैं लीगल पर ले आऊं, और जितने भी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है तो सर्टिफाइड कॉपी तो एज इट इज लग जाएगी? नहीं नहीं, सर्टिफाइड कॉपी नहीं लेते लोग। हाँ जी, सर्टिफाइड कॉपी नहीं लेते यहाँ पर। नहीं नहीं, जो जजमेंट है हाईकोर्ट की वो तो लेंगे ना? ओनली हाईकोर्ट जजमेंट, यस। हाँ, और उसके अलावा जो हमने प्लीडिंग्स फाइल की होती है कोर्ट में, वो सब टाइप कॉपी। आई मीन आपके पास अगर क्लियर कॉपी है, उसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं है, वो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कॉपी है, एक एक वर्ड क्लियर पढ़ा जा रहा है, तो चल जाएगा वो, चल जाएगा ना? हाँ जी। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपसे कल, आप किस समय मिल सकते हैं? कल मैं आपको, कल मेरा 2 बजे मैटर है। हाँ जी, मैं यहाँ पे 1 बजे के आसपास पहुंचूंगा।
तो 1 से 2 के बीच में मिलने तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज फिर शाम को 5 बजे के बाद, 5 से तो जो आपका मैटर होगा आप फ्री उसके बाद 5 बजे होंगे या बीच में कॉल हो गया तो? अमरापाली वाला मैटर है। अच्छा, वो कोर्ट का टाइम 4 बजे खत्म हो जाता है लेकिन वो लोग 5:30 तक खींच लेते हैं, कुछ पता नहीं होता कोर्ट। तो 5 से कितने बजे तक रहते हैं आप? देखिए वैसे तो मैं आपका, अगर आप 5 बजे के आसपास आ रहे होंगे तो मैं आपके वेट करूंगा। नहीं नहीं मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। हाँ तो मैं फिर 5 बजे मिलेंगे ना फिर? ठीक है, 5 बजे के बाद अगर होगा तो मैं मैक्सिमम वेट होगा कोर्ट में होगा, अदरवाइज मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, और मैं क्लाइंट को कल लेकर आऊं या कल पहले फाइनल कर लें फिर उसके नेक्स्ट डे उसको बुलाऊं साइन करने? पहले फाइनल कर लेते हैं फिर ले आते हैं। ठीक है ठीक है, तो टेंटेटिवली मैं आपको कॉल भी मैसेज भी कर दूंगा, कॉल तो नहीं करूंगा बीच में, मैसेज कर दूंगा और मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता दूंगा कितने बजे कहां पहुंच रहा हूं। अगर किसी वजह से डिले हुआ तो परसों का रख, मैं आपको फिर बात कर, परसों मैं दिल्ली में नहीं हूं तो कल मिलने एक बार। ठीक है कल मिल लेते हैं, जैसे भी होगा, जैसे भी कम ज्यादा जैसे भी होगा कल एक बार दिखाया था। लेट मिलना तो लेट ही मिल सकते, कोई जल्द कोई वो नहीं है। नहीं नहीं मैं कल हर हालत में मिलूंगा आपसे। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। सॉरी सॉरी, हाँ जी हाँ सर बोल रहा। हाँ तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपकी छोटी आंत में पानी कम, बड़ी आंत में मतलब खाली पेट जितना पानी कम पियेंगे उतना आपके सेल्स का पानी कम होगा, उतने सेल्स का ग्लूकोज बढ़ेगा और उतना आपके ब्लड शुगर गिरेगा। अगर आप 1 गिलास पानी पियेंगे तो 90% चांसेस ये हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पानी पियोगे तो वो सारा पानी ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में अगर वो पानी गया तो ब्लड में जितना भी वो है शुगर है वो डायल्यूट हो जाएगा। अगर कभी हम पानी बढ़ाते हैं तो चीज डायल्यूट हो जाती है ना, नमक जैसे ले रहे थे हम, तो इसलिए वो ब्लड में कम हो जाएगा सेल्स में बढ़ जाएगा और हमें यही करना है। ठीक हो गया? हाँ ठीक। अब आपके पास ग्लूकोमीटर तो होगा? हाँ मेरे पास है। तो आप दिन में एक बार तो चेक करते ही हैं? नहीं सर मैं हर दिन में नहीं करता हूँ, सप्ताह में 2 दिन करता हूँ। और अगर आपकी कम हो जाए शुगर तो? सर कम तो सर होती नहीं है। नहीं मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ आपके 3 दिन में शुगर एकदम 100 पर आ जाएगी बिना इंसुलिन के। हाँ इसका सर मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? नहीं सर। अच्छा क्या सर ये? नहीं सर ये तो मैंने बहुत बार सुना, अब मैं 12 साल मतलब 12 साल तक इसका। चलिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अपने जेब के अंदर अपने आसपास चीनी रखिएगा। ठीक अच्छा, है नहीं, नहीं सर पहले मेरे को बोला, मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरे पास पहले किसी ने कहा था कि आप चॉकलेट रखना, और 2-3 को मैंने वीडियो देखे थे यूट्यूब पर कि आपके ठीक हो जाएगा। नहीं मैं आपको ठीक होने की कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैंने आज तक किसी को भी ठीक नहीं किया टाइप 1 में, टाइप 2 में मैंने किया अभी तक। अच्छा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टाइप 2 में रिजल्ट जितने मिलते हैं आदमी पागल हो जाता है। अच्छा और मैं मेरा जो टॉपिक है ना मेरा वेबसाइट का वो है 1 क्योर फॉर एवरी डिसीज, आपको कोई भी बीमारी हो एक ही तरीके से ठीक होती है और जितनी तेजी से ठीक होती है। आप ये समझ लो कि जिस आदमी ने मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लिया ना वो उसके बाद कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। अच्छा वो 6 महीने बाद भी प्रॉब्लम होगी, साल बाद भी होगी तो मुझे ही फोन करेगा। ठीक है ठीक है। दूसरी चीज मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है आपको मैं जो बता रहा हूँ आपका दिल करेगा तो आप करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। आप अगर चाहें तो मुझे फीडबैक दे दीजिए, मैं एक आध बार हो सकता है आपको फोन करके पूछ भी लूं कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा फोन नहीं उठाना तो आपकी मर्जी है। नहीं सर मैंने आपके नंबर पहले भी फीड कर दिए। हाँ तो क्यों? अगर अगर आपको ठीक नहीं लगेगा या आपको फायदा नहीं होगा तो मुझे बता जरूर दीजिए ताकि मैं दूसरे का किसी का नुकसान नहीं करूं। ठीक है ये तो है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे मैं सीधा बता रहा हूँ, मुझे टाइप 1 के 1-2 लोगों को बोला था, उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने मना कर दिया तो उन्होंने नहीं हिम्मत करी। अच्छा अब जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको आप समझ गए कि आपको 1 गिलास पानी पीना है, आपको भागने नहीं जाना। बिल्कुल नहीं सर, मेरा बॉडी वेट इतना है कि सर मेरी बॉडी मतलब कुछ भी करना चाहता हूँ तो एकदम नहीं होता है। देखो सर मेरे में 70 किलो वेट है और मेरी जो उम्र के है बच्चे जो तो उनमें क्या सर ज्यादा वेट होने के, आपको पता है कि ज्यादा वेट होने कितने नुकसान है? किसका वेट ज्यादा है? किसका वेट ज्यादा है सर? मेरा 67 है सर। कितना? 67। तो आपका ज्यादा वेट है? तो सर मुझे ज्यादा लग रहा है। आपकी हाइट कितनी है? 5'11"? 5'11" 5'11" हाइट के साथ 67 ज्यादा लग रहा है आपको? किसने बता दिया आपको? गूगल यूज करते हो आप? गूगल में होता है BMI कैलकुलेट करना। अच्छा। अपना BMI कैलकुलेट करके देखो, दुनिया में सबसे हेल्दी वेट है आपका।
बीएमआई जो होता है ना, जो डिजायर्ड होता है वो होता है 18 से 25 तक मेल्स में। अच्छा, आपका तो बीएमआई होगा करीब 20-21 के करीब। अच्छा, आपकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा के हिसाब से 67 बहुत अच्छा वेट है। 2 किलो 3 किलो ऊपर नीचे हो सकता है अभी, अभी आप 64 में भी रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा, परंतु इतना वेट नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि आपका वेट ज्यादा है। आपको कमजोरी है, उसका कारण आपका डायबिटीज है, जो आपके मसल्स में दम नहीं है आप जैसे बता रहे ना, तो उसका डायबिटीज का कारण क्या है कि आपके शरीर में ताकत नहीं बन रही। वो इसलिए नहीं बन रही कि आपके सेल्स में पानी ज्यादा है, सेल्स का पानी कम होगा तो आपकी अपने आप से 3 दिन में आप देखोगे आपकी ताकत बढ़ गई। नंबर 3। हाँ सर, मैं अभी आपको ये बोल रहा था सर, ये मेरे सर मसल्स सर, मैं डायबिटीज हुए उसके बाद सर एक एक जैसे समान, ना तो सर नीचे ना ऊपर, बिल्कुल एक समान। हाँ, तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ ना कि जो आपकी शुगर आती है वो खाने से नहीं आती, वो आपके मसल्स में से आती है। मसल्स डेड होते रहते हैं, सेल्स डेड होते रहते हैं आपके। हाँ सर, वो तो ठीक है, उसमें डायबिटीज में सीधा सीधा कहीं भी पढ़ लो, टाइप 2 पढ़ लो, टाइप 1 पढ़ लो, मसल खत्म हो जाते हैं उसे। सर वो तो है। ठीक है, अब आप दूसरी चीज समझिए, आपको भागने नहीं जाना। ठीक है, ठीक सर, आपको क्या करना है, आपको पूरा दिन जितना भी कर सके, ज्यादा भी नहीं करना, शुरू में कम करिएगा, 5 मिनट चलो और 5 मिनट लेट जाओ। ठीक है, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही, मतलब सर मैं समझा नहीं, 5 मिनट चलना। हाँ, और 5 मिनट लेटना है। भागना या सर चलना है आराम से। आपका हॉस्टल रूम में जितनी जगह हो उतना टहलिए, उसी में टहल लीजिए और वहीं पर उसके लेट जाइए। लेटना सर, एकदम सो जाना या बैठ जाना? लेटना है, आंखें बंद कर लो, लेट जाओ, 5 मिनट उठ के फिर दोबारा से चलो। इससे क्या होगा कि आपका पेट अच्छे से साफ होगा। अच्छा, इससे दूसरा काम क्या होगा कि आपके हार्ट को, ब्रेन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। आप 5 मिनट चलने से थकोगे तो हो नहीं? सर नहीं सर, इससे मैं चलता हूँ थकता नहीं हूँ। सुनो दूसरी ना, आप थकते नहीं हो, अभी आप जाओगे तो आपके चलने से आपका शरीर हल्का सा गर्म होगा। हाँ होगा सर, 5 मिनट के अंदर आपके शरीर में एनर्जी जनरेट होगी और 5 मिनट के अंदर वो एनर्जी जो जनरेट होगी वो खत्म नहीं होगी। अच्छा, अब जब आप लेट जाएंगे तो वो एनर्जी जो बनी थी, जो चली थी, अब दोबारा से जाके ग्लूकोज और फैट में तो नहीं कन्वर्ट होगी ना वो? नहीं होगा सर, वो आपके ब्रेन को, हार्ट को मिलेगी, तो आपका हार्ट और ब्रेन अच्छे से काम करेगा। अच्छा, आपके जितने वाइटल ऑर्गेन्स हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसको आप दिन में कम से कम 3-4 घंटे करो, शुरू में 2 घंटे से शुरू करो, ताकि आपके अगर हार्ट ने ज्यादा एनर्जी लेना शुरू कर दे तो आपकी शुगर एकदम से ना गिर जाए या कुछ और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए। आप उसको आधे आधे घंटे के 4 स्लॉट करो पहले, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको लगे कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, स्टेबल है। ये सर आपने बताया, ये मुझे बिल्कुल मतलब साफ समझ नहीं आया सर, कि जैसे 5 मिनट तो पहले तो सर घूमना है, उसके बाद 5 मिनट होते ही, घूमने के बाद 5 मिनट होते ही वैसे सो जाना है, और 5 मिनट सो जाने के बाद 5 मिनट और घूमना है, और जो आकर सो जाना है, ऐसे करना है। हाँ, आधा घंटा करके दिन में 4-5 बार करो। अच्छा सर, ठीक। और उसके बाद में जब आपको लगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, आपका जो खाना ताकत है, वो एनर्जी है, वो बढ़ गई। अच्छा, तो आप इसको धीरे धीरे करके 1-1 घंटा करो, 2-3 बारी, मतलब टाइम बढ़ा दो पर नंबर ऑफ टाइम्स जो होते हैं ना वो कम कर दो। पहले 5-6 बारी करो आधे आधे घंटे वाला, और फिर जब 1-1 घंटा करना शुरू करते हो तो 2-3 पर आ जाओ। फिर उसके बाद अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो उसको एक साथ ही 4-4, 6-6 घंटे करना शुरू करो। अच्छा, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। ठीक है, तो ये पांच वाला 10 मिनट कर देते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, 5 आपने कहा 5 मिनट घूमो, 5 मिनट लेट जाओ, तो ये पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट घूम देता हूँ और 10 मिनट आके वापस सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, फिर नहीं। उसमें देखिए, 5 मिनट चलकर हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ बॉडी को हल्का सा गर्म करना है। हल्का सा गर्म करने का, जैसी बॉडी में एनर्जी है हमें लेट जाना है, ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हमारे ब्रेन को मिले, हमारे हार्ट को मिले, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मिले। ठीक सर, ये सारी चीजें एनर्जी पर चलती है। जब इनको एनर्जी ठीक से नहीं मिलती तो ठीक से काम नहीं करते, शरीर में पानी भरने लगता है। सेल्स में पानी भरने का एक कारण ये भी होता है कि हार्ट जो पंप कर रहा है वो ठीक एनर्जी से नहीं कर रहा, वो धीरे कर रहा है। अच्छा, तो हमें हमें चलकर एनर्जी या कैलोरी बर्न नहीं करनी। हमारा बेसिक पर्पज है कि हमने एक तरीके से, जैसे होता है, जैसे आपका गाड़ी चल नहीं रही है, आपका स्टार्टर खराब हो गया। अच्छा, तो धक्का देते हैं ना, फिर गियर में डाल देते हैं।
तो आपको बस धक्का लगा के उसमें जब कंबस्शन होने लगता है, एनर्जी बनने लगती है, तो आपको लेट जाना है ताकि वो एनर्जी जो बनी है वो आपके सिस्टम को मिले। अच्छा समझ गए, बिल्कुल सर, क्लियर हो गई दोनों चीजें? हाँ ये तो हो गई सर। शुरू शुरू में कुछ दिन के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट लगे तो अपना ब्लड शुगर दिन में एक बार जरूर चेक कर लो, ठीक उसको सर। गिरने मत देना। ये कितना दिन तक करना सर, हा? कितना दिन तक करना सर, उन पर फर्क लगेगा देखो बॉडी जी, को? मेरे हिसाब से तो आपको 3 दिन के अंदर प्यास लगना कम हो जाएगी। जब अच्छा आपको प्यास लगेगी शुरू में तो आपने क्या करना है, खाने के साथ पानी पी लिया, उसके बाद जब भी प्यास लगे सिर्फ 1 घूंट पानी पीना है। ठीक सर, शुरू में आपको जरूरत पड़ेगी 2-3 दिन, 4 दिन तक पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके तीसरे चौथे दिन 5वें दिन तक आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। आपके मुंह में स्लाइवा ज्यादा आने लगे, आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपका मुंह सूखना बंद हो गया, हेलो, हाँ हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ, तो वैसे वैसे आपको पानी कम करते रहना है और कम कर देना है। अच्छा जितना पानी कम करेंगे उतना स्लाइवा बढ़ेगा, क्योंकि मुंह सूखने का एक ही कारण होता है, आपका ब्लड कम हो रहा है। जब आपका ब्लड बढ़ने लगेगा तो मुंह सूखना बंद हो जाएगा आपका, ठीक है? हाँ सर, तो ये करिए, 7 दिन के अंदर हो सकता है, अगर आप भी ढंग से सीरियसली करोगे तो 7 दिन में हो सकता है आपका ये टाइप 1 खत्म हो जाए। तो सर ये जो प्रिंसिपल है ना, इसकी थ्योरी जो है, हाँ मैं आपको अपने बारे में कुछ और चीजें बताया तो मैं कोरा के ऊपर आंसर लिखता हूँ। सर आप कहाँ से हो ये बताया नहीं आपने? दिल्ली से, दिल्ली से हो? हाँ, मैं कोरा के ऊपर आंसर लिखता हूँ। कोरा फेसबुक की तरीके से एक क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, अच्छा उसके अंदर लाखों करोड़ों के हिसाब से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर सीनियर हैं। अच्छा मेरा डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और एडवोकेट हूँ। तो मैंने ये जो थ्योरी आपको बताई है ना, आज की डेट में पानी कैसा पीना चाहिए, मेरा दुनिया में पहले नंबर पर हूँ। अच्छा डायबिटीज में मैं 6 नंबर पर हूँ। तो सर इसी हिसाब से सर दिन में पानी देखा जाए 1 लीटर खूब है। आधा लीटर बहुत है, मैं तो 300 ml पीता हूँ एक दिन में। अच्छा तो सर कोई बात कर रहे हैं सर, आपको कम से कम 6 लीटर पानी देने में तो पीना ही चाहिए, कैसे भी करके पीना पियो पानी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने आज से 6 महीने पहले, 4 महीने, 4 से 6 महीने पहले मैंने हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा डायबिटीज का ओपीडी होता है, ओपीडी होता है ना, वहां पर लोगों से बात करना शुरू किया। अच्छा मैंने डॉक्टर्स को समझाया, मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम अपने एक असिस्टेंट को यहाँ पर बिठा दो, वो जितने लोग आते हैं ना उनसे एक फॉर्म भरवाया करो, उनसे फॉर्म में क्या लिखवाना है कि वो सुबह से लेकर रात तक कितना पानी पीते हैं, कितना चाय पीते हैं। आप चाय भी पीते हो? नहीं सर मैंने चाय वगैरह छोड़ दी। दूध पीते हो? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, तो उनसे सिर्फ ये लिखवाना है चाय कितना पी रहे हैं, दूध कितना पी रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, फ्रूट कितना खा रहे हैं, सलाद कितना खा रहे हैं, लस्सी कितना पी रहे हैं, दही कितना पी रहे हैं, जितने भी लिक्विड है वो सारा लिखना है। अच्छा उसके बाद आपने लिखना है कि वो दवाई कितनी लेता है, कौन कौन सी लेता है। उसके बाद आपने लिखना है कि वो उसका शुगर कितना रहता है, फास्टिंग कितना रहता है और ट्रेंडम कितना रहता है। तो अगर आप 3 महीने तक ये डाटा इकट्ठा कर लो 100 लोगों से, तो ये दुनिया से डायबिटीज खत्म हो जाएगी। खैर उन्होंने तो ये नहीं किया, पर हमने फिर वर्बली लोगों से बात करी, जो आदमी जितनी ज्यादा पानी पीता है उसका शुगर उतना कम अच्छा मैनेज होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ती है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद भी कम नहीं होता। ज्यादा पानी पीता है उसके लिए? हाँ, और जो जितना कम पीता है उसका शुगर अगर होगा भी तो उसका 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, वो 200-250 को क्रॉस नहीं करता। तो सर साइड में कुछ खाना पीना? जो मर्जी खाओ, खाने पीने से कुछ होता ही नहीं है। आप चीनी खाओ, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप 15 दिन के बाद चीनी खाना शुरू कर दो, जो मर्जी खाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। सर मैं मानता हूँ मैं दिन में सर पानी तो लगभग 1-2 घूंटे पानी पी लूँ, और मैं सर साइड में कुछ खा लूँ, तो सर या पानी नहीं पीना है या दूसरी चीज भी नहीं पीनी साथ में? कोई भी लिक्विड नहीं लेना। अच्छा सर हाँ ये पूछ रहा था। पर मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, जोर जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ। आपको प्यास लगती है पूरा ग्लास पीने की जगह घूट तो पी लो। अच्छा सर, और आपको मुंह सूखना धीरे धीरे करके बंद होगा, 2-3 दिन लगेंगे उसके। अच्छा, और अगर कोई समस्या हो तो इमीडिएटली फोन कर लो, जबरदस्ती ऐसा मत करना। और कल को नुकसान हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहले मैं हाथ खड़े कर देता हूँ। ना ना वो तो सर सब ऐसे ही बोलते हैं सर। मैंने इसीलिए आपको इतना टाइम लगा के बताया, हर चीज आपको समझा दी, कौन सी चीज कैसे काम करती है, आपको धीमे धीमे खुद समझदारी से काम लेते हुए उसको करना है। अच्छा, और डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे तो डॉक्टर फिर गुमराह करेंगे। हाँ सर वो तो सर मैं वीडियो देखता था, कोई चौधरी चौधरी करके डॉक्टर साहब थे, चौधरी
मैं उनका नाम तो अभी भूल विश्वरूप गया। रॉय चौधरी, हाँ सर वो, वो फ्रूट खाने के लिए, वो सलाद खाने के लिए जो बोलते हैं, हाँ सर वही। वो खुद ही डायबिटिक है। उनका अगर आप वीडियो देखोगे ना 11 नवंबर 2017 का, अच्छा तो उनका ब्लड शुगर उन्होंने अपना ना पता तो 160 आया था उनका, अच्छा और मेरा ब्लड शुगर कभी भी देख लो 100 और 110 के बीच में होगा। नहीं सर, उन्होंने बोला कि एक बार तो ब्लड तो 300 हो जाए तो क्या उसमें क्या है, कुछ नहीं होने वाला है, हाँ कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ होगा नहीं। ये किसने बोला कि ये होना चाहिए 100-150 सी के बीच होना देखो, चाहिए? एक मिनट सुनो, वो जब लास्ट में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जी 250 से ऊपर जिनका है उसको थोड़ा सावधान रहना है, अच्छा 250 वाले तक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड शुगर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं आपको अपने पेशेंट्स का और चीजें बता देता हूँ, एक दो चीजें जो आपके काम आएंगी। जितने भी टाइप 2 वाले डायबिटिक है, 6 दिन से 7 दिन के अंदर उनका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। वो दवाई भी छोड़ देते हैं तो अभी नॉर्मल हो जाता है, 100-120 पर आ जाता है फास्टिंग शुगर, ठीक है। ठीक सर, उसके बाद में 15-20 दिन तक उनका शुगर ठीक रहता है। फिर 70-80% लोग बताते हैं कि उनका जो फास्टिंग शुगर होता है वो तो नॉर्मल रहता है, पर रैंडम जो होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। ठीक है परंतु उसको प्यास नहीं लगती। दूसरा काम क्या होता है, उसको थकान नहीं होती, उसकी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, उसका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, तो उसके सिम्टम्स नहीं होते। आपको मैंने बताया, उसका मैं एक्सप्लेनेशन क्या देता हूं उनको, कि देखो आपको डायबिटीज है 10 साल से, अच्छा आपके सेल्स में 65% फ्लूइड है, आपका ब्लड सिर्फ 10% होता है टोटल फ्लूइड का। तो अब क्या होता है कि आपका ब्लड जितना मर्जी कोशिश करे वो 2-4-6 दिन में ठीक नहीं कर सकता। तो आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर चल रही थी कि आपका इतना ग्लूकोज होना चाहिए, इतना सेल्स में जाएगा। अब आपका सेल्स में ज्यादा जाना शुरू हो गया और आपका थोड़ा सा करेक्शन हो गया, पर अभी भी आपके शरीर में बहुत सी कमी हो गई है। 10 साल तक जब आपके मसल, जैसे आप कह रहे हो, नहीं है, हाँ सर तो वो तो उसके बाद शरीर क्या काम करेगा, आपकी हेल्थ बनाने में काम करेगा, आपके मसल्स डेवलप करेगा। तो मसल्स डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन फिर दोबारा से ज्यादा चाहिए आपको। अच्छा तो क्या होगा कि वो न्यूट्रिशन आना है आपके ब्लड में से ही। जब तक न्यूट्रिशन ब्लड में आता है और वो सेल्स में डिलीवर हो जाता है, तो वो 300 हो चाहे 600 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा समझ लो। जब तक सेल्स, जो ब्लड होता है, वो उस चीज को वहां तक छोड़ के आ सक रहा है सेल में, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका शुगर 400 है पर आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, एक बात है सर, मैं जो यहाँ पर जो बाड़मेर सर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जहाँ जितने भी डॉक्टर है मैं वहां पर जाके आ गया हूँ, वो बोलता है कि ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जो को डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर दे। अगर ऐसा हो तो हमारे सामने लेके आओ और हम अपना ये डॉक्टर मैं छोड़ दूंगा, ये डिग्री छोड़ दूंगा और मैं काम करने लग जाऊंगा दूसरा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा। अच्छा कोरा के ऊपर मैं पिछले 2 साल से हूं, अच्छा मेरा कोई कोरा में जान पहचान नहीं है, मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी। आज की डेट में मैं कम से कम 10 टॉपिक्स के ऊपर, 10 बीमारियों के ऊपर मैं नंबर 1 पोजीशन पर हूं दुनिया में, अच्छा विकासपुरी में नहीं, दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और जितने भी डॉक्टर है मेरे को गालियां देते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी बात है, आपके मुंह में छाले हैं, अच्छा छाले होने से कोई मरता तो नहीं है ना? नहीं अगर मैं छाले का इलाज बता रहा हूं, आपकी तबीयत एकदम हट्टी कट्टे हट्टे कट्टे आदमी हो, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, अगर मैं आपको कहूं 12 घंटे के लिए पानी नहीं पियो तो कोई आफत तो नहीं आती ना? नहीं अगर आप हेल्दी हो तो, ठीक है, 12 घंटे में तो कोई आफत नहीं आएगी। नहीं सर, मैं गारंटी देके कहता हूं कि आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। दुनिया में एक डॉक्टर ले आओ जो 12 घंटे में आपके छाले ठीक कर दे, ठीक है, ठीक है, गलत है? ठीक है सर, तो उसके बाद सारी दुनिया के डॉक्टर को छोड़ देना चाहिए ना अपनी डॉक्टरी। हाँ सर ये बात तो है, ना भी छोड़े तो कम से कम ये बात तो मान ले चुपचाप से कि भैया ठीक है, छालों का इलाज ये होता है, मुंह के छाले ठीक करना है तो पानी छोड़ दो। सर एक बात है, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है कि ये मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ, फिर भी ये मानता हूँ कि जो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते पूरा, तो उनको उनको ये डॉक्टर भी छोड़ देना चाहिए जिसको। हाँ अरे उसको छोड़ो, अभी मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। हाँ दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा है, एक तो एम्स है अच्छा, और दूसरा राम मनोहर लोहिया है, ठीक है। रामानंद लोहिया, हाँ विलिंगडन बोलते हैं उसको, अच्छा पर हिंदी में बोला, आजकल उसका राम मनोहर लोहिया नाम है, पहले विलिंगडन होता था। अच्छा उसमें जो डायबिटीज का चीफ है, जो हेड है, वो मेरा जान पहचान का है, अच्छा उसको खुद डायबिटीज हुई हुई है। अब ठीक अच्छा करने की बात तो छोड़ दो,
बिल्कुल सर। अब वो मुझे मिला, मेरे दोस्त को जानता था, उसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो हम बैडमिंटन खेलते थे, तो वो मुझे मिला, उसकी उम्र उस समय करीब 48-49 साल का था, तो वो हमें मिला, तो वैसी बातचीत होती थी मेरी, तो वो मेरे से चिढ़ता था क्योंकि मैं उसको बहुत से क्वेश्चन करता था कि भैया डायबिटीज ऐसे क्यों होती है, वैसे क्यों होती है, जो भी हमारे दिमाग में आता था, तो वो मेरे से बहुत चिढ़ता था कि भैया ये उल्टे सीधे सवाल है। हाँ सर ये तो है। अब आपने कोई चीज पूछी, मैं बताना बता रहा हूँ ना, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से आखिर तक। हाँ बता रहे आप। तो अब वो भाई साहब क्या कहते हैं कि जी डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है और डायबिटीज सिर्फ दवाई से ही कंट्रोल रह सकती है, अगर दवाई नहीं लोगे तो आदमी की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ सर ये तो है। तो कहता जी मैं तो खेलता हूँ, अपना डाइट वाइट कंट्रोल करता हूँ, दवाई वगैरह लेता हूँ, अपना शुगर को कंट्रोल में रखता हूँ। अच्छा अभी पिछले साल मेरे फ्रेंड ने बताया, जो उसके घर के पास रहता है, वो कहता जी अब उसके इंसुलिन लगना शुरू हो गया, उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं रह रहा। अच्छा तो अब उसको, मेरे फ्रेंड को मालूम है कि मैंने डायबिटीज का इलाज ढूंढा हुआ है और मैं बहुत से लोग ठीक कर चुका हूँ, तो अच्छा उसने उससे बोला कि जी मेरे से बात कर ले और समझ ले कैसे ठीक होना है। अच्छा उसने मना कर दिया बात करने से। उसने उस मैंने उसको ये समझाना कि उसको बात ही तो करनी है, मैं उसकी बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सर। वो समझे, और उसको, वो डॉक्टर है तो उसको जो मैं बोलूंगा साइंटिफिकली हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, अगर उसको कोई चीज गलत लगती है तो बताए ना मेरे को, हाँ और अगर नहीं लगती तो 15 दिन कर ले, मर थोड़ी जाएगा, डॉक्टर है ना वो, तो कुछ नहीं दूसरों पर होगा। नहीं तो अपने पर तो कर ही सकते हैं ना वो। हाँ तो वो बात करने के लिए राजी नहीं है और सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसका अपना ठीक नहीं हो रहा, पर वो ये क्लेम करते हैं कि दूसरों का ठीक कर देंगे, और जिस सर। जो दवाई लेगा उसकी तबीयत ठीक होगी, जो नहीं लेगा उसकी तबीयत खराब होगी, हाँ तो ये कैसे कर सकते हैं लोग? तो सर मुझे अब सर यही करना, और वो को साथ में कुछ नहीं करना। और किसका? या आपने बताया कि सुबह 5 मिनट घूमना, 5 मिनट लेटना, 5 मिनट घूमना, हाँ तो इससे सर डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सी, मैंने आपको दो चीजें बोली हैं, हाँ आपको सेल्स का पानी कम करना है, आपको खाली हाँ पेट पानी नहीं पीना, कम से कम पीना है, ठीक है सर, मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है? दूसरी चीज मैंने बोली, रोटी के साथ पूरा 1 गिलास पानी पियो, आप 5-6 रोटी खाते हो, पूरा स्टील का गिलास भर के पूरा पानी पियो, हाँ ठीक सर, और ठीक थोड़ा है। थोड़ा करके पियो, पूरा रोटी खाना शुरू करते ही शुरू हो जाओ। हाँ ठीक। जब आटा गूंथते हैं ना, हाँ सर। तो आटे के अंदर जितना पानी डलता है वो एक साथ नहीं हाँ डालते, थोड़ा सा पानी हाँ डालते हैं, फिर उसको हिलाते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर हिलाते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया सर। इसी तरीके से आपको खाने के साथ डालना है, क्योंकि जैसे जैसे आप खाने के साथ पानी लेते रहोगे ना, तो आपके हाँ ब्रेन से कनेक्टर कनेक्शन होता है हर चीज का, आपका कितना स्टमक में एसिड चाहिए, कितना एंजाइम चाहिए, वो ब्रेन कंट्रोल करता है, अच्छा तो उसको मैसेज मिलता रहना चाहिए कि भैया आप पानी पीते हो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, उसको पता चलता है कितना पानी भी है, इसको भी एडजस्ट करना है। सर ठीक है। आपने सर ये ठीक होना तो बताए सर, ये नहीं बताया कि सर ये होता किससे। नहीं नहीं बताया अभी तक मैंने। मेरा बरोबर समझ नहीं आया सर। हाँ सी, आपके सेल्स के अंदर शुगर कम हो जाती है, अच्छा उस शुगर को बढ़ाने का काम करता है ब्लड और लीवर, तो सर ये पहले से ही, जैसे है? माना सर मेरे के 2008 में, 8 से पहले सर मैं एकदम हेल्दी था, आप मेरे जब कुछ 2008 से पहले हेल्दी थे, आपको पानी कुछ पीने नहीं। की लत लग गई होगी, आपके घर वालों को लगता है कि पानी पीने से सेहत बनती है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, आपको बचपन से पानी ज्यादा पिला रहे होंगे। हाँ सर लगे सर, मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने वो खा लिया, वो कोई बोल रहेगा और मीठा ज्यादा खाया, वो ज्यादा खाया, इससे हो गया। मैं तो कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आप जितना मर्जी चीनी खाओ। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अच्छा मेरी मदर की डेथ हुई है करीब 1.5 साल पहले, अच्छा उनकी डेथ हुई है करीब 85 साल की उम्र में, ठीक अच्छा है? पिछले साल में। अच्छा हाँ, 85 साल की उम्र में, उनको पिछले 40-45-50 साल से डायबिटीज था, अच्छा और उनको 5-6 साल पहले उनकी हर 3 महीने में तबीयत खराब हो जाती थी, उनको हार्ट हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम था, उनको ब्लड प्रेशर भी था, हार्ट का एक बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी 2090 में, अच्छा तो इसका मतलब हो गया 30 साल हो गए थे सर्जरी हुए हुए, तो उनको जॉइंट पेन भी रहता था, हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती थी, ब्लड प्रेशर भी था, ब्लड शुगर भी था, थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम भी था, अच्छा तो उनको हर 3 महीने बाद हार्ट में प्रॉब्लम होती थी, ब्लड शुगर एकदम से 500 क्रॉस कर जाता था, और वो कितना भी इंसुलिन लगा ले वो नीचे नहीं आता था, ठीक है? हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब उनके साथ हॉस्पिटल में मैं ही जाता था, तो धीरे धीरे करके सब कुछ समझना शुरू किया, डॉक्टर से बात करनी शुरू कर दी कि वो कैसे इलाज करते हैं, तो अच्छा फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया, आज से 3 साल पहले मैंने कहा आप हर 2 घंटे में आधा चम्मच चीनी खाना शुरू कर दो। अच्छा शुरू में घबराते थे, मैं उनके पीछे पड़ा रहता था कि खाओ खाओ करके,
उनको चीनी खिलाना शुरू करी। नहीं सर ये बात बिल्कुल सही सर, अब मुझे देखो खिला दे आप के, आप ये खाओ तो सर मुझे डर डर लगता है। सुनो तो सुना, उनको भी डर लगता था। 3 महीने 4 महीने उनको हमने चीनी खिलाई हर 2 घंटे में आधा चम्मच। हाँ सर 3 महीने के बाद मतलब बीच में धीरे धीरे करके इंसुलिन कम होती गई, 3-4 महीने के अंदर इंसुलिन हो गई 0, दवाई हो गई 0। और जो वो हॉस्पिटल जाना पड़ता था हर 3 महीने बाद, 2 साल तक हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। क्या बात है सर। उसके बाद में प्रॉब्लम कहाँ हुई, उसके बाद में उन्होंने इसके साथ में पानी कम कर दिया जब सर्दियां आई दिल्ली में। अच्छा। तो उनको मैंने बताया, उनको क्या होता है गर्मी में भी मई जून में भी ठंड लगती थी। अच्छा। मई जून में भी पंखा नहीं चलाते थे, एसी नहीं चलाते थे, ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीते थे, ठंड लगती है। अच्छा। तो मैंने कहा ठंड लगने का एक ही मतलब होता है आपके शरीर में पानी ज्यादा है, तो आप उस पानी को कम करो, पानी कम पिया करो। तो एक सर्दी पूरे पूरे 3-4 महीने उन्होंने पानी ना के बराबर पिया। उसके बाद जैसी गर्मी आई मार्च में, उन्होंने फ्रिज का पानी पीना शुरू कर दिया। कहते जी मेरा तो दिल करता सारा दिन बर्फ पीत खाते रहो। कहां उन्होंने 10 साल से पानी नहीं पिया था फ्रिज का। अच्छा। और कहां पर एकदम से वो एसी में बैठने लग गए, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है पानी कम करने से। अब दूसरी चीज समझो, उनका शुगर खत्म हो गया। अब उनको क्या शौक लग गया, मेरे पिताजी को शुगर नहीं है, ठीक है उनको कुछ और प्रॉब्लम है। तो उनका क्या है, आज की डेट में हॉस्पिटल से जब से वापिस आए ना, उनको हर रोज कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अच्छा। तो वो कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जिसमें मीठा होता है। तो मेरी मदर ने क्या किया, उन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू कर दी रोज की। अच्छा। तो मैंने उनको बोला था थोड़ा बहुत चीनी और मीठा लेना ठीक है, पर कोल्ड ड्रिंक मत लो। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि प्यास भड़क जाती है। अच्छा। अब वो गर्मी के दिन थे, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू करी तो उससे प्यास बढ़नी शुरू हो गई। तो उसके बाद वो धड़ाधड़ करके पानी पीना शुरू कर दिया, वो पानी बढ़ते 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 उनका कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो सारा का सारा सिस्टम जाम हो गया। अब हॉस्पिटल लेके गए, उनको डॉक्टर को बोला भैया किसी तरीके से इनका पानी कम करो। अब हॉस्पिटल में सालों ने हमारी बात सुनने की जगह अपना इलाज करना शुरू कर दिया, ड्रिप लगा दी, ऊपर से पानी पिलाना शुरू कर दिया। वो बार बार पानी मांगते थे, वो चुपचाप से पकड़ा देते थे बॉटल। तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 लीटर पानी ऊपर से, 2 लीटर ऊपर से सुई के थ्रू जा रहा था, शरीर में पानी बढ़ता गया, हार्ट अटैक हो गया। हाँ वो तो सर एक बात, ये गर्मी के मौसम आते हैं सर, मुझे भी सर 1 साल में 2 बार तो एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल। क्यों होना पड़ता है पता नहीं सर, ये तो गर्मी आती है, आपका प्यास ज्यादा लगेगी, मुंह ज्यादा सूखेगा, आप ज्यादा पानी पियोगे, सेल्स का शुगर कम होगा और आपका शुगर बढ़ेगा ब्लड का, आपको केटोसिस होगा, कीटोन्स बनेंगे, आपको वॉमिटिंग होनी शुरू होगी। वॉमिटिंग होती है? हाँ सर मैं ज्यादा कुछ समझता नहीं हूँ इतना सर, एक बोलते एक कीटोन बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। हाँ तो इसी वजह से बढ़ते हैं ना। मैं आपको कीटोन्स का एक और कहानी बता देता हूँ। मेरा एक पेशेंट है, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा। तो उनसे मेरी बात हुई करीब करीब 6-8 महीने पहले। तो उन्होंने मेरा बात मानना शुरू किया, उन्होंने पानी कम करना शुरू कर दिया, खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दिया। सुबह उठकर जो पानी पीते थे लोटा वोटा भर के, वो शायद उन्होंने चालू रखा या थोड़ा कम कर दिया। अच्छा। और परंतु बाकी पानी कम कर दिया, चाय कम कर दी, तो उनका 4-5 दिन के अंदर शुगर कम हो गया। अच्छा। तो उसके बाद वो चल करते रहे तो उनका महीना भर कम रहा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया, वापस बढ़ना शुरू हो गया। पर उनको कोई उसके दिक्कत नहीं हो रही थी, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कमजोरी नहीं हो रही, एनर्जी लेवल ठीक था, खाना पीना ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो मैं उनको समझाता रहा कि आप खाना पीना ठीक करो और इसकी चिंता मत करो जो बढ़ रही है, और अगर आपको दिक्कत हो तो बीच में कभी दवाई लेकर भी देख लेना, कभी कभी ले लो। तो उन्होंने फिर मेरे को 4-5 पेशेंट से और भी न्यूज मिल रही थी कि वो थोड़े दिन ठीक रहता फिर बढ़ जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा जी आप एक काम करो, आपको अगर लगता है ना कि पानी की कमी हो रही है कुछ, तो आप 5-10 दिन के लिए पानी बढ़ा लो। अच्छा। अब उन्होंने गलती क्या किया, उन्होंने पानी बढ़ा लिया और मुझे बात नहीं करी, और उसके बाद 2.5-3 महीने तक पानी बढ़ाए रखा। अच्छा। और 4 से 5 लीटर पर पहुंच गए, कहा मैं 0.5 लीटर पानी पीने के लिए बोलता हूँ, कहा वो 5 लीटर पर पहुंच गए। अच्छा। उसके बाद एक दिन उनका फोन आया जी, कहते जी मैं पिछले महीने हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। सर वो तो बात है, आपकी बात सर मैं सहमत हूँ, लेकिन सर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 1 लीटर या 1 लीटर कम पानी पोज, इससे सर कोई आई नहीं सर, जो स्वस्थ है सर वो भी पानी पीते है 2-3, 2.5 लीटर तो वो भी दिन में पी जाते पानी। तो मैंने आपको अपना YouTube पर जो मैसेज मिला अपना नाम और अपना चैनल का नाम लिखा है, अदरवाइज भी मेरा वो जो आइकन बना हुआ है आर करके, उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरे चैनल पर चले जाओगे। अच्छा।
मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है डायबिटीज के बारे में, जितने पेशेंट आपकी मेरे से जो बात हो रही है सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मैं इसको यूजली क्या करता हूँ, मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करके एज इट इज डाल देता हूँ, आगे एक फोटो लगा देता हूँ जिसमें लिखा होता है कि किस बारे में है। अच्छा, और वो एज इट इज बिना एडिटिंग के डाल देता हूँ। अब वहां पर जाकर जितने पेशेंट से बात हुई है ना, आप वो देख लो। आप पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो क्लिक करके। हाँ, मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ वीडियोस देखने की कोशिश करो। अच्छा, उसके बाद अपने आप से अंदाजा लगाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें झूठ कितना है। जो आपको अभी प्रोफेसर वाली बात कह रहा हूँ ना, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। अच्छा, तो आप उसका उसका फोटो नहीं होगा, सिर्फ वॉइस वॉइस आती है उसमें। अच्छा, तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ आपको इतना शायद विश्वास नहीं आएगा, भरोसा नहीं होगा। अच्छा, उसके कीटोन्स बनने शुरू हुए। ये तो एक पेशेंट का फीडबैक था। एक दूसरा आदमी था, उसने स्टेम सेल थेरेपी करा ली। अब उसका डायबिटीज में इंसुलिन के बाद दवाई के बाद में 250 के नीचे आता ही नहीं था। उसने सब चीजों को छोड़कर मेरा वाला चालू किया, तो 3 दिन के बाद उसका 120 आ गया, जबकि उसका कभी आया ही नहीं था पिछले 5-7 साल में 250 से नीचे। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, खुश हुआ, उसने बड़ी खुशी खुशी उसको किया। तो महीने के बाद सर आप ये बात करें सर, मैं मानता हूँ, लेकिन सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना कम करने में सर शुक्र से आ जाएगी नीचे। ये तो सर क्या चीज, विश्वास। हाँ सर, आपने बताया कि आप एक तो खाने में पानी पियो गिलास पाई की घूंट घूंट खाने के साथ, दूसरा आपने बोला कि आप 5 मिनट घूमो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट घूमो। ये सर मुझे लगता है ये सर बिल्कुल छोटा सा काम है, और आपको छोटा सा इस... लग रहा है, एक मिनट ठहरो, आपको छोटा सा लग रहा है ना। हाँ सर, आप जब करना शुरू करोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे 30-34 दिन के बाद। सर वो तो आपकी बात सही है। देखो सर, मुझे किसी ने बोला कि पहले आप 10 किलोमीटर भागो, तो सर मेरी ये एक मिनट, दिल्ली शहर के अंदर। हाँ, दिल्ली शहर, रहते हैं दिल्ली शहर में हो, गर्मी रहते हो। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भल्ला है। राजेंद्र सिंह? हाँ, आप दिल्ली से हो? हाँ, पैदाइशी दिल्ली की है। अच्छा सर, तो बेसिकली क्या है कि आप में दम होना चाहिए। अब मैं पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम को खत्म करने के लिए लगा हूँ। अगले 10 साल के बाद आप किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को नहीं देखोगे, किसी कोने में भी ना सर। वो असर अच्छा है सर, ऐसा हमारे देश में सब एकदम ये डायबिटीज वगैरह सब खत्म हो जाए सर। आज सर हमें गरीब लोग सर दवाई के पीछे घूम रहे हैं, गरीब लोग सर दवाई के पीछे घूम रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों की जरूरत है ना, आप लोग, अब मैं बताऊंगा, आप ठीक हो जाते हो तो आप 4 लोग मेरे को लाके दिखा दो। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप किसी और को ठीक नहीं कर पाओगे। मेरे को पता है ना, मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इतना करने के बावजूद मिलता क्या है। अब मैंने डॉक्टर को हॉस्पिटल में जाके बोला कि जी आप लोगों का ये फॉर्म भरवा लो मेरा। अच्छा, उससे पता चल जाएगा कि जितना पानी पीते हैं उतना शुगर बढ़ती नहीं बढ़ती। अच्छा, उसके बाद मैं हेल्थ मिनिस्टर के पास भी गया दिल्ली के, उसको भी बोला कि हॉस्पिटल वाले मान नहीं रहे, वो कह रहे आप ही कुछ कर सकते हो तो आप इनको डायरेक्शन दे दो। अच्छा, वो भी कुछ नहीं किया। मेरे अपने क्लास फेलो है, जो मेरे फ्रेंड है, जो डॉक्टर है, MD किया हुआ है, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया तुम गलत इलाज कर रहे हो, इस तरीके से कर दो। वो कहता है जी हमें टाइम ही नहीं है, सुबह से शाम तक पर्ची काट रहे हैं कंडक्टर कितने बैठ के। तो बेसिकली सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, सारा सिस्टम पैसे के आसपास घूम रहा है। हाँ सर, मैंने आपको कहा था कि ये काम मुझे तो छोटा लग रहा है, आपने बोला ये आसान, आपने कहा ये करोगे तो आपको पता चलेगा। तो सर मुझे, मैं भागता हूँ सर, कोई शौक नहीं है मुझे भागने का। सर किसी ने बोल दिया कि अगर आप भागोगे तो आप फिट रहोगे, अब कुछ नहीं होगा, तो इसलिए सर मुझे सुबह जल्दी 5 बजे उठना पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद सर मैं भागने जाता हूँ। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, आपकी पढ़ाई के बारे में बताता हूँ। सारी दुनिया कहती है ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो मेरी वाइफ जो है टीचर है। अच्छा, तो जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे तो वाइफ ने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, तो मैंने वाइफ को समझाया जिस तरीके से तुम पढ़ा रहे हो ना बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, ये पढ़ाने का ठीक तरीका नहीं है। ठीक है जी सर, तो बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा, तो नहीं जी मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप टीचर नहीं हो? हम्म, आपको बोल दिया आप टीचर नहीं हो? हाँ मैं टीचर नहीं हूँ, पर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ उससे, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जी 8वीं क्लास तक पहुंच गए बच्चे। अच्छा, स्कूल से शिकायत आने लगी, उसी स्कूल में पढ़ते थे जहां वो पढ़ाती थी। अच्छा, तो स्कूल से शिकायत आई, बच्चे पढ़ते नहीं है, नंबर बहुत खराब होने शुरू हो गए, कुछ भी आता जाता नहीं। तो जब टीचर्स ने कंप्लेंट करी तो मेरे को कहती थी जरा बच्चों को देख लो।
अच्छा मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो दशहरे की छुट्टियां थी, वो अपने मायके गई, तो एक अच्छा लड़का मेरे पास रुक गया, तो हम दोनों घर में थे। अच्छा मैंने उसको मैथमेटिक्स की किताब निकाली, मैंने कहा इसको पढ़ना शुरू कर, जहां चैप्टर लिखा है ना जो चीज नहीं पढ़ाई, मतलब पहला सेमेस्टर खत्म हो गया था दशहरे तक, पहले पेपर हो गए थे, दूसरे टर्म के रह गए थे, तो मैंने कहा दूसरे टर्म को अब जब तुम स्कूल जाओगे टीचर ने जहां से पढ़ाना शुरू करना है वो पढ़ना शुरू करो, और उसमें हर 5 मिनट बाद लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और लेट जाओ। पूरे दिन में तुमको 3 में से एक काम करना है, या तो खा लो या सो लो और या पढ़ लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम खाओ कितनी बारी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम सो कितनी देर, तुम्हारा पढ़ने का दिल नहीं करे तो सो जाओ, और कोशिश ये करो कि 15-20 मिनट बाद 1 मिनट जाग लो, 2 मिनट 5 मिनट देखो 2-3 लाइनें और फिर तुम्हारा से लेट जाओ, क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। अब आप कभी भागे नहीं हो, पहले दिन भागते हो तो 100 मीटर में चक्कर आ जाते ना, इसी तरीके से जिस आदमी ने दिमाग नहीं यूज किया उसको 2 मिनट के अंदर अंधेरा छाने लगता है दिमाग में। तो मैंने उसको कहा कि तो आराम से रेस्ट कर, तो उसका एक ही कह रहा था आपका दिमाग खराब हो गया ना, आप पढ़ा रहे हो ना, टीचर ने पढ़ाया और ना मैंने पहले कभी पढ़ा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये दुनिया बनी है ना ये तुम्हारे जैसे लोगों ने नहीं बनाई है, हमारे जैसे लोगों ने बनाई है, हर आदमी ने कुछ ना कुछ तो पहली बार किया ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते पहली बार कोई काम। और मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने के बाद शाम तक क्या चीज आनी चाहिए, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मेरी गलती होगी, तो अगर आ गई तो तुम्हारा बड़ापन हो गया। खैर जी लगा रहा, गाली देता रहा, मुझे बोलता रहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता, पर हम भी लगे रहे डटे रहे। हमने कहा देखो आज घर से बाहर नहीं निकलना, बाकी कोई रोक टोक नहीं है कि क्या करो क्या ना, कितना पढ़ो कितना ना पढ़ो, सब तुम्हारे ऊपर है। शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास उससे एक सवाल हो गया, याद हो गया, याद नहीं करना था, मैथमेटिक्स था, एग्जाम्पल्स दिए होते ना, एग्जाम्पल होते हैं फिर उसके बाद वो होती है एक्सरसाइज होती है, तो उसको एग्जाम्पल को ही पढ़ना था और समझना था कैसे करते हैं, और उसके बाद वो इतना खुश हुआ, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग गया, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस बच्चे के 40% नंबर नहीं आते थे 2 महीने के बाद उसके 95% नंबर आ गए। तो आप जो 4 घंटे पढ़ते हो ना वेस्टेज है टाइम का, आप अगर गूगल करोगे ना स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन, आप कितनी देर तक लगातार कंसंट्रेट कर सकते हो, टोटल 8 सेकंड के लिए कंसंट्रेट कर सकते हो आप एक टाइम पर। 8 सेकंड से ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, पूरे दिन में अलग अलग टाइम पर आप टोटल 40 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकते हो। ये बात मैंने पढ़ी थी एक बार कंप्यूटर पर ही, तो उसके नीचे आप जैसे किसी ने एक सवाल लिखा हुआ था कि मान लो गावस्कर खेल रहा है क्रिकेट, और वो सुबह से लेकर आया पहले डाउन पर आया और वो ओपनिंग करी उसने और शाम के 5 बजे तक वो डटा रहा, नॉट आउट रहा। अब इंटरनेशनल मैच हो रहा है तो ये बॉलर भी बेस्ट है तो आउट क्यों नहीं हुआ, और उसकी कंसंट्रेशन 8 घंटे 7 घंटे कैसे रह गई। अब तो बोल रहे 40 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकता। वो कहता है जी जब बॉलर बॉलिंग डालने के लिए भागता है, जब वो हाथ घुमा लेता है तब वो कंसंट्रेशन के पीक में जाता है, बॉल को हिट कर दिया उसने देखकर, उसके बाद अपनी कंसंट्रेशन डाउन कर देता है, बंद कर देता है। तो हर बॉल में पूरे दिन में वो 40 मिनट भी अपनी कंसंट्रेशन को यूज नहीं करता, इसलिए वो आउट नहीं होता, उसको ऑन ऑफ करना आता है उसको। अब जो आदमी एक्साइटेड रहेगा जाएगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो बड़े ध्यान से देखेगा वो कौन बॉलर कहाँ जा रहा है कौन क्या बात कर रहा है हर चीज में उसका ध्यान है, अच्छा वो आदमी 2 मिनट में आउट हो जाएगा, क्योंकि उसको कंसंट्रेट कर ही नहीं जा सकता। इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको हेडिंग देखनी है, हेडिंग याद करने के नंबर होते हैं, अंदर पढ़ने के नंबर नहीं होते। हेडिंग पढ़ने के बाद आंखें बंद करो और सोचो नीचे क्या लिखा होगा, हेडिंग से रिलेटेड ही लिखा होगा ना, होगा रिपीटेशन ही होता है। हम क्या करते हैं हर चीज को रटने की कोशिश करते हैं समझिए बिना, अगर आप समझना शुरू कर दोगे तो शुरू शुरू में बहुत अटपटा लगता है कि यार ये तो आज पूरे दिन में एक ही पेज हुआ है, पर महीने के बाद में आपकी स्पीड इतनी होती है कि आप हफ्ते में पूरी किताब खत्म हो जाती है। अच्छा तो ये पढ़ने का तरीका है। तो एनीवे फिर हमने अपने बच्चों को 50% से उठाकर सीधा बोर्ड के एग्जाम में भी 96.25% तक पहुंचा दिया।
तो सर ये भी अच्छा हुआ सर, मुझे आज कुछ सीखने को तो मिला पढ़ाई के बारे में भी। आप हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, और हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि मेरा अब आइडिया क्या है कि अगर आप ठीक होते हो, अब मैं अच्छा डायबिटीज के ऊपर अभियान चला रहा हूँ, अगर सर आप एक ठीक बार सर, मेरे की डायबिटीज में पेशेंट मैं कि गांव में कभी जाता हूँ तो मैं एक ही हूँ, तो बाकी सब हंसते हैं मुझ पे देखा जाए तो, बाकी सब हंसते हैं कि आप बीमार हो, ऐसे हो वैसे हो, मतलब ज्यादा ज्यादा कमेंट करते हैं। तो कभी कभी ख्याल में आता हूँ कि एक बार क्या करोगे, आप सुसाइड कर देता हूँ तो वापस फिर जन्म मिल जाएगा कहीं पे, तो अब इस जन्म का तो कुछ काम नहीं है, क्या करूँ नहीं, ऐसा मत सोचो, ये तो सर दो ये मिनट का तो। काम है। देखो, अगर अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना, तो अच्छा इम्पॉसिबल चीज कोई भी नहीं है। एक बार सर अगर घर कोई वाल और आदमी दुनिया में डायबिटीज का इलाज नहीं कर सका, तो अच्छा आप भी बैठ जाओगे जिसका तो इलाज ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं एक होता, दम सर होना चाहिए। थोड़ी बहुत उम्मीद जागती है सर, फिर भी कोई डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो आप जिंदगी पूरी आपको झेलना ही पड़ेगा सर, कोई सर डॉक्टर नहीं आपको ठीक कर सकता, ये तो आप झेलो सुबह सुनो मेरी बात शाम। सुनो, मेरे को आज से 15-16 साल पहले, मैं इस चक्कर में क्यों फंसा हूँ, अच्छा मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे साला दवाई का एक नाम भी नहीं आता था। मुझे मतलब वो होती ना डिस्प्रिन, उस समय एडवर्टाइजमेंट आता था बहुत बड़ा, तो एक अच्छा डिस्प्रिन आता था, एक एस्प्रिन आता था, इसके अलावा मुझे कोई दवा का नाम नहीं आता। एक कोल्ड ड्रिंक होती थी गले के लिए, तो अच्छा इसके एडवर्टाइजमेंट उस जमाने में टीवी वगैरह पर, न्यूज पेपर में खूब आते थे, तो बस यही पता था। उसके अच्छा अलावा हम भी ये सोचते थे यार, डॉक्टरी सबसे बड़ा कोर्स होता है, सबसे महंगा कोर्स होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 5 साल, तो इनको कुछ आता होगा। तो आज से 16-17 साल पहले मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मेरे को हड्डियों में बहुत दर्द होने लग गया। जरा सा मेरा अगर अंगूठा भी कहीं टच होता था, तो हफ्ता हफ्ता दर्द होती थी, तो बहुत परेशान रहे। सुबह उठते थे तो कमर में इतनी दर्द होती थी, कुछ कहने की हद नहीं। तो एक बार कोई फ्री का कैंप लगा था, तो वहां पहुंच गए, अच्छा तो उसने टेस्ट वेस्ट किया, कोई मशीन थी बड़ी सी करोड़ रुपए की, तो कहता अच्छा जी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको सारी जिंदगी कैल्शियम और विटामिन D3 खाना पड़ेगा, अच्छा और ये ठीक नहीं होगा। अब मेरे उस समय इतनी पेन होती थी कि मैं उठता ही 11-12 बजे था, तो अच्छा मैंने सुन के बड़ी खुंदा गई, कहता जी इसका हम डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 6 महीने का ले लो विटामिन कैल्शियम वगैरह। अच्छा तो मैंने कहा यार 6 महीने में तुम कितना मेरे को डिस्काउंट दे दोगे, 100-200 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। पहले मैं ये तो समझू ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, अच्छा तो मैं वापिस आ गया। तो वापिस आने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ा, उसका यही एक नतीजा निकला कि इसका कोई इलाज नहीं होता। अच्छा आज इस बीमार मतलब इसका यही कर सकते हैं कि जो जितनी तेजी से बीमारी बढ़ती है ना, उसके बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हो, पर वापिस नहीं कर सकते, ठीक नहीं हो सकते। और आज भी उसका अगर साइज देखोगे ना, किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वो आज भी यही बोलेगा। और आज मैं किसी भी 20 साल के बच्चे से चैलेंज करके कर सकता हूँ कि मेरे से अच्छी हड्डियां किसी की भी नहीं होंगी, अच्छा ना अच्छा मैंने विटामिन D3 खाया ना कैल्शियम खाया, ठीक है। बस उसके बाद एक चीज की धुन लग गई कि भैया इसको ठीक करना है, ठीक सर है। आप इतने आपके जानकारी इसके बारे में, आपके से वहां कोई दिल्ली में क्लिनिक खोला हुआ है या घर कुछ नहीं खोला हुआ भाई, पे ही मैं एडवर्टाइज नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं है? डॉक्टर अच्छा नहीं हूँ तो एडवर्टाइज नहीं कर सकता, मैं लोगों को दवाई नहीं दे सकता। और बाई अच्छा चांस अगर कोई दुश्मन तो निकलते ही है, किसी ने कुछ रिपोर्ट कर दिया तो अलग से पंगा पड़ जाएगा। हाँ वो तो है। अब मैं किसी को अगर बोलता हूँ तो पहली बात तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। कोई लोग होते हैं फोन करते हैं, जी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मैं शुरू में बात कर लेता हूँ पर आखिर में कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसको समझ लो, और जो भी है तुम्हारी जिम्मेदारी, कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। सर आज की डेट में मेरे आपके YouTube चैनल पर जाओगे ना, 85 साल के लोगों को जिनको पैरालिसिस है 1 साल से, अच्छा 2 दिन के अंदर उठ के खड़े हो जाते हैं। अभी एक